भारत में सिविल एविएशन के संस्थापक के रूप में पहचान रखने वाले जहांगीर रतन जी भाई टाटा अपने टाटा एयरलाइन के साथ इस कदर जुड़े हुए थे कि इसके राष्ट्रीयकरण के बाद भी वो गहरी दिलचस्पी दिखाते थे। जी हां, आपको बता दें, रतन टाटा ने इस तरह से बुलंदियों को हासिल किया, ये बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें, लेखक शशांक शाह ने लिखा कि जीआरडी टाटा एयर इंडिया के परिचालन के मामले में इतने सूक्ष्म स्तर पर निगाह रखते थे कि एक बार उन्होंने क्रू मेंबर के साथ टॉयलेट भी साफ किया था। और सबसे बड़ी बात तो यही कि जीआरडी टाटा ने जब अपना प्लेन शुरू किया था तो ऐसे में उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं लोगों को पहुँचाई थी, खाने से लेकर बेहतर क्वालिटी तक और साथ ही साथ वहाँ के माहौल तक। जी हाँ, जीआरडी टाटा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उनके काम में कोई भी लापरवाही करे। और सबसे बड़ी बात तो है कि जीआरडी टाटा ने जिस तरह से जो अपना प्लेन शुरू किया था उसमें बहुत सारे देसी ही नहीं बल्कि विदेशी यात्री भी सफर करते थे। आपको बता दें, जीआरडी टाटा एक ऐसा नाम जो मात्र उद्योगपति नहीं थे बल्कि उन्होंने विज्ञान, स्वास्थ्य और उड़ान जगत के पुरोधा के रूप में अपनी पहचान बनाई। 22 वर्ष की उम्र में 1926 में जीआरडी टाटा अपने पिता की मौत के बाद टाटा सन्स के डायरेक्टर बने और 12 साल बाद वो चेयरमैन बने। 25 मार्च 1991 तक वे उस पद पर बने रहे और इन सालों में पहले ही देश के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों की नई बुलंदियों तक पहुंचा है। आपको बता दें, जीआरडी टाटा का नाम आज भी लिया जाता है और साथ ही साथ उनकी सफलता की कहानी के बारे में भी बताया जाता है कि किस तरीके से जीआरडी टाटा ने कम वक्त में इस तरह अपनी शुरुआत की और एक बड़ा मुकाम हासिल किया। वेब 20 न्यूज के लिए राहुल की रिपोर्ट।